कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सॉल्यूशन को और करें अपने गैड CAMCNIE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जो करेंगे वो हम 3D के जो बेसिक कमांड्स हैं उन पे एक्सरसाइज जो करेंगे। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इसे आप कैसे बनाओगे, इसमें आप सर्कल, होल और आपका थ्रू कर्व्स भी आपका इसमें यूज होगा और ड्राफ्ट भी आप यूज कर सकते हो और शेल, ये सारे कमांड्स आप इसमें यूज करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब आप, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है ट्यूटोरियल में कि जब भी आपको कोई ऐसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिले तो आप ये देखो कि आपको किस तरफ से आपका फ्रंट व्यू आप शो कर रहा है। तो ये देखो, ये एरो मार्क है, डेट मीन्स कि इस तरफ से आपका फ्रंट व्यू आएगा। तो आप डायरेक्टली आप इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद डिजाइन फीचर है आपके पास, डायरेक्टली आपके पास ब्लॉक है। ब्लॉक में आप लेंथ, विड्थ और हाइट आप फिट कर सकते हो। तो ये आपका लेंथ है 145 एंड ये जो है विड्थ आपका 50 प्लस ये जो आपका सर्कल का रेडियस है तो ये आपका रेडियस 20 है। दैट मीन्स कि 20 आपका दिस साइड है एंड इस तरफ भी आपका यहाँ पे 20 है तो 90 हो गया। तो आपका ये 145 90 एंड जो हाइट है वो हमारा 20 दिया हुआ है। तो मैंने ये एक ब्लॉक बनाया। ओके, नाउ हम इसमें फिलेट करेंगे। एज ब्लेंड लिया मैंने, सारे एजेस लिए और जो एज का आपका फिलेट है वो आपका रेडियस 20 है तो यहाँ से मैंने 20 दिया और ये ओके। अब हम इस पे होल करेंगे तो होल हम डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ से यूज करेंगे और ये जो आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट है हम डायरेक्टली इसे ले लेंगे और यहाँ से आपका जो डाया दिया हुआ वो आपका 18 है तो मैंने यहाँ से 18 डाया लिया और डेप्थ पूरा 20 है तो मैंने ये 20 पे यहाँ से अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ अब जो हमारा ये जो अलग से बनाना होगा तो उस केस में आप इन दोनों के बीच में अगर लेते हो तो ये देखो बीच से आपका 68 है दोनों तरफ। तो उस केस में हम बाइसेक्टर में प्लेन लेंगे एंड देन हम इसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से ये फेस एंड ये फेस लिया तो बाइसेक्टर में मेरे पास प्लेन आ गया। अगर आपको प्लेन को थोड़ा लेंथ इंक्रीज करना है तो आप इससे फ्री हैंड से भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ से आप स्केच करो इस पे स्केच। ओके, नाउ ये जो आपका है ड्राइंग तो यहाँ से मैंने लेंथ जो है ये आपका यहाँ से दिया हुआ है 65 तो ये आपसे 65 का एक ड्रॉ किया। देन ये जो आपका है यहाँ पे आपका ये 50 है एंड 50 के बाद आपका ये सर्कल का रेडियस है तो सेम यहाँ से मैंने ऊपर गया पहले ये आपका जाएगा 60 देन आपका इस तरफ आपका जाएगा 50 प्लस आपका जो रेडियस है ये आपका टोटल डाया है तो ये आपका 34 हो जाएगा तो 50 प्लस 34 आपका जाएगा। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे आपका जो डायमेंशन है वो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑफसेट भी कर सकते हो या फिर हमने डायरेक्टली यहाँ से 15 देन ये जो डिस्टेंस है ये आपका टोटल जो है वो 50 प्लस 34 है। 50 में से आप 20 माइनस करते हो तो 30 भी होगा तो आप इसको 64 का भी ड्रॉ कर सकते हो। देन दिस वन इज ऑफ 30 एंड ये आपका आ गया ये लाइन 15 और ये लाइन मैंने यहाँ से मैच कर दिया। ये आपका ओवर कॉन्स्टेंट हो गया है, डेट मीन्स कि एक ही डायमेंशन आपकी बार बार आई है तो एक डायमेंशन हम इसकी रिमूव कर देंगे। ओके, नाउ अब इसी को हम यहाँ से एक और लाइन आप इसको ज्वाइन कर दो रिप के लिए और फिनिश। फिनिश करने के बाद आप इसे एक्सट्रूड करो, आप ये एक फेस लोगे दोनों तरफ है आपका तो 34 हमने दिया तो यहाँ से एक पर 34 है माइनस 34 एंड दिस वन इज 34 अप्लाई किया। यूनाइट आप अब कर सकते हो या फिर अभी अगर हम यूनाइट नहीं करते तो हम बाद में भी इसे यूज कर सकते हैं। देन दिस वन इज ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका एग्जैक्टली आपका इसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसे अप्रॉक्स हम 10 लेते हैं तो मैंने इसमें -5 यूनाइट करते हैं। ओके, नाउ अब हमें इसको राउंड करना है तो इस केस में हम डायरेक्टली एज ब्लेंड भी ले सकते हैं
मैंने ये एज और ये एज लिया और 34 का आपका फिलेट है, सेम दिस एज और दिस एज। ओके, अब हमें इसे यूनाइट करना है, तो हमने यूनाइट किया फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी। अब जो हमें टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए उससे पहले आपके पास ये होल भी है, तो आप यहाँ से होल दे सकते हो। डायरेक्टली आपने होल लिया, दिस सर्कल फेस डायमेंशन आपका यहाँ से ये 15 पे है। ओके, 15 पे जाएगा, और जो होल है वो होल आपका 24 का है, तो मैंने यहाँ से 24 का डाया का दे दिया। ओके, नाउ अब जो हमें ये बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक आप प्लेन ले लो एट डिस्टेंस पे, और जो डिस्टेंस है वो रिवर्स डायरेक्शन यहाँ से करो। जो डिस्टेंस है वो आपका टोटल 40 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से -40 पे एक प्लेन लिया। यहाँ पर आप स्केच करो, आपका रेडियस 20 दिया हुआ है, डेट मीन्स कि आपका 40 होगा। फिनिश, एंड जो इनसाइड पे है वो आपका सेम रेडियस है। फिनिश। देन आप यहां पर जाओ, यहां से इंसर्ट में जाओगे, थ्रू मेश सरफेस में आपके पास ऑप्शन आता है थ्रू कर्व्स। आप यहाँ पे सरफेस में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा, बट अभी अगर मैं यहाँ से आप थ्रू कर्व्स ले सकते हो, और अगर इनसाइड से जाओगे तो वहाँ इंसर्ट में जाओगे और यहाँ से आप मैश सरफेस में थ्रू कर्व्स लोगे। थ्रू कर्व्स लेने के बाद आप यहाँ से ये देखो कि एक आपने कर्व सेलेक्ट किया, कर्व सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एड न्यू सेट करना, अदरवाइज आपका ये नहीं बनेगा। तो यहाँ एड न्यू सेट पे आप क्लिक करना, और दूसरा आपने ये कर्व सेलेक्ट किया। ओके, अगर डायरेक्शन रिवर्स होगा किसी एक का, तो ये देखो इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रिवर्स डायरेक्शन रखेंगे, मीन्स दोनों का डायरेक्शन आपका सेम में है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ से अप्लाई किया, आप यहाँ से आप यूनाइट देख लो, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये सारे यूनाइट होने चाहिए। अब पहले हम इससे शेल कर देंगे, बिकॉज ये मेरा हॉलो है, तो हॉलो के लिए आप ये जो डायमेंशन है, तो ये आप 20-12 आप कर दोगे, तो 8 का आपका जो ऑफसेट डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ से शेल लिया, मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया 8, और जो बॉटम होल है वो मुझे अभी, क्योंकि बिकॉज नीचे से भी 8 का थिकनेस है आपका, तो जब अगेन हम होल लेंगे, और ये जो कर्व है इस आर्क का हम सर्कल पे लेंगे 8 का, और यहां से मैंने इसको ओके किया, ये देखो। ओके, ये देखो, ये आपका आ गया। अगर आपको ये टेपर में नहीं चाहिए, तो हम इसे होल को इसी में, यहाँ से हमें सिलेंड्रिकल बॉटम है, यहाँ से हम कौन टेप है ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना, जनरल होल है, ड्रिल साइज होल है, थ्रेडेड होल है, जो होल आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। टिप एंगल अगर आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम टिप एंगल को हम जीरो भी कर सकते हैं। ओके, ये देखो सेम दिस वन होल, इसको भी हम जो एंगल है ये आपका जीरो। ओके, तो ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मैसेज कर सकते हो। और ये जो प्लेन्स है इनको हमने हाइड कर दिया। ओके, इसी तरीके से और भी जो प्रोजेक्ट है आपको मैं करके दिखाऊंगी, तो आपको बेसिक कमांड जो भी है वो भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।